हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 15 सितंबर की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज है 15 सितंबर और इस दिन इंडिया में मनाया जाता है क्या, इंजीनियर्स डे। ओके, आगे हम बात करते हैं। यूएसए इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द सेकेंड। फ्रीलांस मार्केट क्या होता है? फ्रीलांस मार्केट का मतलब होता है कि जो पीपल को शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसको हम फ्रीलांस मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसमें परमानेंटली वो जॉब नहीं दी जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। अगला पॉइंट है, एनएसडीटी साइंस एमओयू विद 8 कंट्रीज़ फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, और ये इंडिया में है। और इसने किसके साथ एमओयू साइन किया? 8 कंट्रीज़ के साथ। 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? जापान, यूएई, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, रशिया, फिनलैंड एंड मोरक्को। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज सेकेंड नेशनल वाइड कोरोना वायरस लॉकडाउन। ठीक है, इसराइल में सेकेंड टाइम जो है कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये फर्स्ट कंट्री है जो दोबारा लॉकडाउन की है। अगला, TCS बिकम सेकेंड इंडियन फिल्म टू क्रॉस 9 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क। ठीक है, तो TCS क्या बन चुकी है? सेकेंड इंडियन फिल्म बन चुकी है। और TCS का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसके CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्ज़ाम में कि TCS के CEO कौन है। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1968। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। TCS सेकेंड है, आई थिंक फर्स्ट पे जो होगी वो या तो रिलायंस होगी या फिर इन्फोसिस होगी। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है TCS के वो कौन है? फ़कीर चंद कोहली एंड JRD टाटा एंड टाटा सन्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ओपन इन सिंगापुर। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ पर ओपन हुआ है पहली बार, तो वो सिंगापुर में। अगला, पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉन्च ए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्मार्ट कार्ड स्कीम में इसमें सब कुछ बायोमेट्रिक होगा, यानी कुछ भी फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, कोई राशन ज़्यादा या कम नहीं ले सकता, या जो भी रिलेटेड फ्रॉड होते थे राशन से वो नहीं हो पाएंगे। और ये कहीं भी जाके कोई भी इंसान होगा वो खरीद सकता है। उसके बाद है, इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च इन दिल्ली। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च हुई है? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट 75 लाख COVID-19 टेस्ट। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। अगला है, टाटा अल्ट्रोज बिकम ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL 2020। टाटा अल्ट्रोज क्या है? टाटा अल्ट्रोज एक फोर व्हीलर कार है। अगला, हिमाचल बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है जिसने फंडामेंटल राइट को, यानी फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज ए फंडामेंटल राइट दिया है। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि इसमें अगर 10 एडल्ट पीपल यानी 18 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए और वो अपना अपना शेयर लगाएंगे। ठीक है, जो भी कैपिटल रहेगा वो उनके शेयर मतलब इक्वल रहेगा, और जो उन सबसे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फिर बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 97। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। अगला है, पूछा जाता है एग्जाम में कि 97th अमेंडमेंट कौन सा है, तो विच गिव्स राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस गरिमा वेलफेयर स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? गरिमा वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है। अगला, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस YSR आसार स्कीम फॉर एम्पावरिंग ह्यूमन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने ये लॉन्च किया है, और गरिमा किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। अगला है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू 55 लाख हाउस होल्ड बाय मार्च 2021। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बन चुका है जो कि 2021 से क्या करेगा? प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू 55 लाख हाउस होल्ड। अगला, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजू इनॉग्रेट्स फिट्स इंडिया साइक्लोथोन। ठीक है, साइक्लोथोन साइकिल से बना हुआ है, तो कौन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसने इनॉग्रेट किया? किरेन रिजू ने। अगला है, ग्रेट लर्निंग रूप इन विराट कोहली एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ग्रेट लर्निंग रूप के कौन बने हैं? विराट कोहली।
अगला ओरिएंटल बॉटनिक्स रोप इन प्रीति जिंटा एज ब्रांड एम्बेसडर। तो ओरिएंटल बॉटनिक्स की कौन बनी है? प्रीति जिंटा। ब्रांड एम्बेसडर भी एग्जाम में आता है कि कौन सी ब्रांड का कौन ब्रांड एम्बेसडर है। ओके अगला, राजस्थान रॉयल्स नेम सेन वॉन एज ब्रांड एम्बेसडर मेंटर फॉर IPL 2020। ठीक है, अगला है योशिहाई सुगा इलेक्टेड लीडर ऑफ जापान रूलिंग LDP पार्टी। LDP का फुल फॉर्म क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला, अमिताभ बच्चन हैज़ बिन रोप एज रोप्ड इन एज एलेक्सास फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस इन इंडिया। एलेक्सा सबको पता ही होगा, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन कौन है? पहले सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो वॉइस देंगे एलेक्सा को। सबसे पहले जो बने थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अपनी वॉइस दी थी, पहले सेलिब्रिटी कौन थे? वो सैमुअल एल जैक्सन, जो कि क्या है, एक अमेरिकन एक्टर है। ओके अगला है, सीनियर JDU MP हरिवंश चूजन एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन बन चुका है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कौन है वो? हरिवंश। ठीक है, आखिर कौन सी पार्टी के हैं? JDU के हैं। अगले, विवेक अग्निहोत्री अपॉइंटेड एज न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव एट ICCR। ठीक है, ICCR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो विवेक अग्निहोत्री को अपॉइंट किया गया है, नहीं, अपॉइंट एज ए न्यू कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ICCR वॉज फाउंडेड इन 1950 बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सभी जानते होंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है। तो बस इतना ही था, और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।